चलिए तीसरे शुरू कर लेते बड़ी खबर का। रेवाड़ी से बड़ी खबर, जहां पर 2.5 करोड़ के बैंक घोटाले का खुलासा हुआ है। बैंक अकाउंट से फर्जी तरीके से किए गए ट्रांजैक्शन और ऐसे में बैंक के कर्मचारियों पर ही घोटाले का आरोप लगा है। खाता धारक को इनकम टैक्स का नोटिस मिलने पर खुलासा हुआ इसका। डीजीपी को शिकायत के बाद मॉडल टाउन थाने में केस दर्ज किया गया। खाता धारक ने जमीन अधिग्रहण के पैसे कराए थे जमा। साल 2009 में HSIDC ने की जमीन अधिकरण। तो ये बड़ी खबर, डीजीपी के शिकायत के बाद मॉडल टाउन थाने में केस दर्ज कर लिया गया है। आपको ये भी बताते चले कि अब इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल की जा रही है। सहयोगी अमित हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अमित, ये बड़ा घोटाले का खुलासा हुआ है, अब तक क्या कुछ कार्रवाई को अंजाम दिया गया? अमित जी, आपको बता दें, जिस तरह से 2.5 करोड़ रुपए की एक किसान के खाते से 2.5 करोड़ रुपए का घोटाला सामने आया, और घोटाला उस वक्त सामने आया जब इनकम टैक्स का नोटिस है। 2009 में ये किसान है, उसकी जमीन अधिग्रहण हुई थी, HSIDC ने अधिग्रहण की थी, उसके बाद ये राशि जमा कराई गई थी ICICI बैंक में। तो क्योंकि किसान ने इसको पैसे की ट्रांजेक्शन कोई नहीं कराई, इसके चलते इसको कुछ पता भी नहीं चल पाया। जब एक नोटिस पहुंचता है किसान के घर पर कि आपने 2.5 करोड़ रुपए जो यूज किए, आपकी आय कहां से थी, तो एक इनकम टैक्स का नोटिस पहुंचता, तब उसके पैरों तले से जमीन खिसकती है, क्योंकि उसने कोई भी ऐसा यूज नहीं किया। वो बैंक पहुंचते, बैंक के अधिकारी पर कुछ भी जवाब देने से बचकर कोई भी जो स्पष्ट जवाब नहीं दिया जाता। किसान लगातार चक्कर काटता रहता है दफ्तरों के, लेकिन उसको कोई कहीं से भी कोई कार्रवाई होती नहीं दिखती। इसके बाद मुख्यमंत्री व DGP हरियाणा को उसको शिकायत भेजी जाती है। इसके बाद शहर मॉडल टाउन थाना ने मुकदमा दर्ज किया, और कहीं ना कहीं जो बैंक कर्मी पूरे घोटाले के आरोप बैंक कर्मियों पर लग रहे हैं। ऐसे में अब मॉडल टाउन थाना पुलिस ने कल ही मुकदमा दर्ज किया, जांच शुरू की गई है, क्योंकि मामला घोटाले से जुड़ा और बैंक कर्मी पे कहीं ना कहीं आरोप के घेरे में। ऐसे में बड़ा कहीं ना कहीं मतलब किसान के साथ इस तरह का घोटाला सामने आया, तो कहीं ना कहीं बड़ा घोटाला है, और रेवाड़ी पुलिस भी इस पे लग बिल्कुल बिल्कुल अमित, और ऐसे में देखने वाली बात होगी कि प्रशासन की तरफ से क्या कुछ एक्शन लिया जा रहा है। अमित, बने रहिएगा, और भी खबरों पर आपको जानकारी हासिल करेंगे।